हेलो दोस्तों, मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड के साथ में हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं। हमारी जो बातचीत की कड़ियां हैं, हमारे मोबिलोग्राफी ग्रुप के जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, जो बहुत ही आम लोग हैं, इन्होंने कभी फोटोग्राफी की एज सच ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, मगर आज मोबिलोग्राफी और मोबाइल फोटोग्राफी में अपना गजब का हुनर दिखा रहे हैं। आप लोग जब कभी भी हमारे ग्रुप पर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि नई सब फोटोग्राफर्स क्या गजब का कमाल कर रहे हैं। हमारे जो साथी हैं श्री दिग्विजय सिंह, वो उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं और बहुत ही सुंदर ये फोटोग्राफी करते हैं। मजेदार ये है कि फोटोग्राफी के इनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है और अपने नॉर्मल बिजनेस के अलावा ये टाइम निकालते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। और जो इनका थॉट प्रोसेस है और जो द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ और द वे हिज प्रोडक्ट आस, बहुत ही गजब का है, बहुत ही शानदार है। तो हम आज समझेंगे दिग्विजय जी से कि ये किस तरीके से सोचते हैं। अब 1.5-2 साल जो उन्होंने ग्रुप के साथ में निकाला है, फोटोग्राफी में इतना चेंज आया है, तो वो थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, द वे ही प्रोसीड्स टुवर्ड्स पिक्चर, और कैसे वो कंपोज करते हैं। एडिटिंग के ऊपर इनका बहुत कमाल का हाथ है, तो हम उसमें भी समझना चाहेंगे कि एडिटिंग ये किस तरीके से करते हैं। और आप लोगों में बता दूं कि दिग्विजय जी हमारे साथ में को एडमिन भी हैं, तो ग्रुप को लगातार बनाए रखने में और लोगों को मोटिवेट करने में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो दिग्विजय जी, आपका इस शो में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं, जब आप अब 1-1.5 साल पहले आप जिस तरीके से फोटोग्राफी को लेते थे और आप आज जिस तरीके से लेते हैं, उसमें क्या अंतर आया है, वो प्लीज आप हमको बताइए। देखिए, शुरुआत में फोटोग्राफी जो थी वो एक एक जस्ट फैमिली फोटोग्राफ हुआ करता था, जिससे हम लोगों ने कहीं ना कहीं शुरुआत करी। और हाथ में मोबाइल फोन हुआ करता था, अक्सर हम फैमिली फोटोग्राफ्स लिया करते थे। फिर कभी कभार इस तरह से भी हुआ कि हमको कोई सीनरी पसंद आ गई या कोई स्पेशल चीज पसंद आ गई तो उसका फोटोग्राफ ले लिया, बट तब तक कुछ नॉलेज नहीं हुआ करता था। लेकिन मैं कुछ फोटोग्राफर्स को जानता हूँ जो उज्जैन लोकल से भी हैं, बाहर से भी हैं, खासकर सुनील पारिक जी, जिनके फोटोग्राफ्स में अक्सर देखकर बहुत प्रभावित हुआ करता था। और कई बार उनके फोटोग्राफ्स उनसे बिना परमिशन लिए, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट कॉपी राइट एंड एवरीथिंग, तो मैं उनसे बिना परमिशन लिए उनको टैग जरूर कर देता था कभी कभार। और मेरे फेसबुक का जो वॉलपेपर रहता था फेसबुक पर, मैं उस पर उनका फोटोग्राफ अक्सर लगाया करता था या शेयर किया करता था, जिसको कई लोग अप्रिशिएट भी करते थे, वो खुद भी अप्रिशिएट करते थे। और मुझको बड़ा अच्छा लगता था उनका अंदाज, जिस तरीके से वो है ना शहर के अलग अलग मौकों पर और अलग अलग जगहों का फोटोग्राफ लेकर शेयर किया करते थे। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि हमारे कॉमन फ्रेंड हैं अभय राठौर जी, अभय सिंह जी राठौर, जो कि मोबिलोग्राफी ग्रुप में पहले से सुनील पारिक जी के साथ और आपके साथ जुड़े हुए थे। एंड बाय दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट मोबिलोग्राफी कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कोई ग्रुप है। तो अभय सर ने एक दिन अचानक मुझको उस ग्रुप में ऐड कर दिया और मुझको बोला कि आपकी फोटोग्राफी मुझको मैंने आपका शौक देखते हुए मैंने आपको उस वहां ऐड करा है। आप मुझको बड़ा अच्छा लगा, मैंने वहां लोगों के फोटोग्राफ्स देखे, बड़ा इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस होने के बाद वहां काफी सारे लोग थे, काफी लोग जुड़े हुए थे, काफी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स करते थे। मैंने भी कई फोटोग्राफ्स शेयर करना शुरुआत हिम्मत करी और फोटोग्राफ शेयर करना शुरू करा। फोटोग्राफ शेयर करते समय मुझको ये महसूस हुआ कि जब मुझको एक दो मौकों पर ऐसा बताया गया कि ये फोटोग्राफ थोड़ा और बेहतर हो सकता था, कई बार आपके द्वारा, कभी बार दूसरों के फोटोग्राफ्स को देखकर मुझको ऐसा महसूस हुआ कि इसको किया जा सकता है। उस समय तक मैं इस चीज से अवेयर नहीं था कि एडिटिंग भी कोई चीज होती है फोटोग्राफ में। मुझको पहले यही लगता था कि फोटोग्राफ जैसा आया है वैसा आप इन्हें कहते हैं उसको शेयर कर दो,
तो वही सब कुछ है, या फिर जो आपको मोबाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स दे रखी है फोटो को कैप्चर करते समय, उस समय कुछ ऑप्शंस है ना। मेरे पास MI का फोन हुआ करता था, कभी HTC का फोन रहा है, तो उसमें जो ऑप्शंस रहते थे उसी के साथ मैं ले लेता था और उसी के साथ उसको पोस्ट कर देता था। और मैं समझता था इट इज ओनली एडिटिंग। फिर जैसे जैसे सफर बढ़ता गया, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। जब मैंने फोटोग्राफ शेयर करना चालू करे, कुछ लोगों के फोटोग्राफ्स मुझको बहुत अच्छे लगते थे, बहुत उम्दा किस्म के हुआ करते थे, लाइक रुधिर वाघमारे, राहुल नागर जी हैं, फिर आपका प्रियंवदा मैडम हैं, सुनील सर तो है ही सही, फारिक साहब तो है ही सही, और भी कई सारे ऐसे नाम हैं जिन जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ शेयर करे। जब मैंने फोटोग्राफ शेयर करा, कुछ एडिटिंग के बारे में समझने की कोशिश करी, इन लोगों ने मुझको समय समय पर समझाया भी सही। एक बार प्रियंवदा मैडम ने मुझको एक कमेंट में लिखा था, हैव यू एवर ट्राइड वर्किंग ऑन द लेयर्स इन स्नैपसीड? इट वॉज ऑल टुगेदर न्यू थिंग फॉर मी कि ये क्या नई बात कर दी इन्होंने। तो मेरे इट वॉज अ जार्गन फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ करा ही नहीं था। हाँ, मैं बहुत सालों पहले, आज से 15-20 साल पहले, फोटोशॉप पे जरूर काम करा है, जहां पर लेयर्स में काम किया करते थे, बट आई वॉज नॉट इन टच विद ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि मेरा प्रोफेशन बिल्कुल एकदम अलग लाइन हो गई थी। तो मैंने कभी ना उसको ट्राई करा नहीं था, खासकर स्नैपसीड में। तो उन्होंने बताया तो मेरे लिए वो जार्गन था। फिर मैंने उनसे, उन्होंने मुझको पर्सनली मैसेंजर पर है ना कुछ चीजें गाइड करी कि उसमें जाओ, उसमें ट्राई करो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। फिर मैंने धीरे धीरे आई स्टार्टेड ट्राइंग माई हैंड्स ऑन ऑल दोज थिंग्स। फिर मैंने कुछ चीजें रुधिर के फोटोग्राफ से देख कर है ना सीखी, कुछ नवीन सोनी के फोटोग्राफ से देख कर एडिटिंग में सीखी कि ये लोग कैसे है ना, क्या कहते हैं, एकदम फोटो को स्वरूप ही बदल देते थे। मैंने वो ऐसा हो जाता था, वाह ये क्या, एकदम से लगता था कि ये क्या जादू कर दिया। और हमारे मेरे तो बड़े छोटे छोटे से मुझको अजीब से लगते थे, फिर लगने लगे। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे ना ट्राई करना चालू करा। लकीली मैंने एक्सपेरिमेंट करता रहा, एक्सपेरिमेंट करते करते चीजें आती गई, कई चीजें और होता चला गया। अच्छा, मैं रही बात फोटोग्राफ को कैच करने की, तो मेरा शुरू से ये रहा है कि पिछले कुछ सालों से एक रूटीन सा बन गया है कि मैं मॉर्निंग वॉक प्लस साइकिलिंग दोनों चीजें करता हूँ, और उसके साथ कहीं ना कहीं मोबिलोग्राफी भी जुड़ गया। तो उसमें ऐसा रहता ना जैसे किसी चीज की कमी थी और वो एसेंस की कमी थी, और वो एसेंस है ना उसमें आकर घुल गया और स्वाद बढ़ गया। तो मैं साइकिलिंग मॉर्निंग वॉक प्लस मोबिलोग्राफी, इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा ना सुबह सुबह का जो वो समय रहता है मेरा, मुझको ऐसा लगता है कि वो समय सबसे प्रोडक्टिव समय रहता है। प्रोडक्टिव मीन्स पॉजिटिव टाइम रहता है, जिसमें एक दिन की शुरुआत तो जो आपकी होती है कि अच्छी चीज से हो रही है, तो उस तरह की शुरुआत होने लगी और मुझको मजा आने लगा धीरे। फिर धीरे धीरे चीजें मैंने सीखी और मेरा हाथ साफ हो गया। अच्छा, जहां तक रही फोटोग्राफ लेने की बात कि आप किस तरह का फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो मैंने आपकी एक मीटिंग अटेंड करी थी जिसके अंदर आपने एक सेमिनार करा था, जिसमें एक नॉन फोटोग्राफर, उज्जैन के पुराने फोटोग्राफर थे, सीनियर, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, जिसमें अक्षय भाई साहब भी थे और भी काफी सारे लोग थे। उसमें उन्होंने एक बहुत अहम बात है ना उसमें शेयर करी थी, वो ये शेयर करी थी। हेलो हेलो, हाँ, उसमें उन्होंने ये बात शेयर करी थी कि आप जिस समय कोई फोटोग्राफ ले रहे हैं, उस समय कोई दिमाग में कोई ख्याल मत रखिए, यू जस्ट कैप्चर दैट मोमेंट। आप सिर्फ कैप्चर कर लो उस समय, क्योंकि ये मोमेंट है ना आपको फिर वापस, ये मौका जो है ये आपको वापस नहीं मिलेगा। तो मेरे दिमाग में वो चीज बैठ गई थी कि हमको उसको कैप्चर कर लेना है। और डिजिटल फोटोग्राफी में सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम एज मैनी एज फोटोग्राफ्स लेकर हम रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, फिर बाद में हम उन पर कभी भी, जब भी हमको समय मिले, तब हम उसमें एडिटिंग का वर्क करके, उसमें से चूज करके, फिर उस पर वर्कआउट कर सकते हैं कि इससे हमको क्या आउटपुट निकालना है या क्या थॉट। तो इस तरह से मेरा फोटोग्राफ को लेने का तरीका रहता है। और फिर उसके बाद में सोचता हूँ कि इसको किस तरह से एडिट करना है। अच्छा, जब मैं फोटोग्राफ ले लेता हूँ
तो कई बार क्या रहता है कि फोटोग्राफ अधूरा लगता है, अधूरा इन द सेंस कि जब तक उसके साथ कुछ न जुड़ा हो तब तक है ना, कोई उसको लिंक करके जब तक नहीं देखेगा किसी चीज से, आई मीन टू से अबाउट कैप्शन। तो मैंने देखा कुछ लोग है ना, मैं ऐसे ही पहले शुरुआत में डाल दिया करता था, लेकिन जब मुझको ऐसा लगा कैप्शन अगर आपका कैची है और उसके साथ फोटोग्राफ्स भी अगर उम्दा है, तो देखने वाले को भी जब वो रिलेट करेगा उसको फोटोग्राफ के साथ, तो उस कैप्शन को, तो उसको वो एक मजा आएगा देखने का, वो उसको उस एंगल से देखेगा, उस नजरिए से देखेगा। तो मैंने वो चीज को प्रैक्टिस में लाना शुरू करा और ये चीज करी और इट वर्कड आउट, लोगों को बहुत पसंद आया एंड मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ उस चीज को और लगातार एंजॉय करता रहता हूँ। हाँ, घर वालों से उस चीज के लिए कई बार है ना, बहुत सारे है ना, क्या कहते हैं, कभी कभी तलवारें भी खिंच जाती है, लेकिन मेरी ये शौक जो है वो उस पर भारी पड़ता है हमेशा। तो अब ये सवाल मेरा कि जब आप कोई विजुअल देखते हैं, ओके, तो जी अब ये कैसे डिसाइड होता है कि आप ना इसमें क्या करने वाले हो, कैसे कंपोज करने वाले हो? जैसे फोटोग्राफी मैंने देखा है कि आप ना मैक्रो शॉट्स काफी लेते हैं, राइट? चीजों जी के क्लोज जाना, उनके क्लोज लेना, इसमें आपका कुछ ज्यादा रुझान है और आपका एक्सपर्टीज भी इसमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा है। बट कोई भी मोमेंट अगर आता है तो हाउ यू डिसाइड कि ना व्हाट आर यू गोइंग टू डू एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर हम आज के एक फोटोग्राफ का एक एग्जांपल लें, जो कि आज मैंने एक फोटोग्राफ ने कऊ घाट का शेयर करा है, तो गऊ घाट एक ऐसी जगह है जो कि है ना, क्या कहते हैं, जहाँ पर सुनील भाई साहब मैंने फ्रिक्वेंटली जाते हैं, वो मीन्स उनका है ना, मैंने कह दें कि वो उनका इलाका है जिसमें आज हमने सेंधमारी करी है, मैंने और फाटिल साहब ने। तो वहां क्या हुआ कि जब मैंने देखा कि वहां के एक पर्टिकुलर एक मंदिर है जो कि पानी के अंदर, मैंने नदी के बीच में बना हुआ है और आसपास अक्सर पानी रहता है, और उसके कई लोगों ने कई फोटोग्राफ्स डाले हैं, तो मुझको लगा कि इसके अंदर क्या चेंज करना चाहिए, क्या चेंज किया जा सकता है, किस ढंग से इसको प्रेजेंट किया जा सकता है सबके सामने। तो मेरी जब नजर नीचे पानी के अंदर उसकी जो इमेज बन रही थी उसके ऊपर पड़ी, तो मुझको ऐसा लगा कि मुझको इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए बजाय ओरिजिनल स्ट्रक्चर को। तो मैंने उस फोटोग्राफ को सबसे पहले इन्वर्ट करके देखा कि इन्वर्ट अगर करता हूं मैं उसको, इन्वर्टेड फोटोग्राफ करता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा पूरी पिक्चर क्वालिटी पर। फिर दूसरी चीज मैंने ये देखी कि मुझको उस पिक्चर में उस स्ट्रक्चर के इमेज मीन्स जो रिफ्लेक्शन है जो पानी के अंदर दिख रहा है, मुझको उसको हाईलाइट करना है। तो मैंने क्या करा कि उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जिसको इन्वर्ट करने के बाद नीचे आ गया था, उसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, मोनोक्रोम कर दिया, और जो पार्ट को मुझको हाईलाइट करना था उसको कलर कर दिया, एंड ड्रामेटिकली इट वर्कड आउट, ठीक है। और वो मुझको मुझको खुद को, पहली चीज आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए है ना, हम किसी के साथ कोई चीज शेयर कर रहे हैं, तो वो मुझको बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा लग रहा है। अब रही बात कि उसके साथ कैप्शन अटैच करना है कि अब आपको कैप्शन, तो मेरे दिमाग में बार बार है ना परछाइयां आ रही थी कि परछाइयां, अब पानी भी है परछाई भी है, फिर मैंने क्या करें कैसे करें। तो अक्सर मैं ना चोरी करके ना कहीं से नेट पर से ढूंढ के लाता हूँ कुछ शायरियां वगैरह, वहां मैंने ढूंढने की कोशिश करी, कुछ मिला नहीं मुझको ऐसा, चोरी करके यानी कि कहीं ना कहीं से कॉपी करके लाता हूँ। आई गिव ड्यू क्रेडिट्स टू दोज पीपल आल्सो, लेकिन आज मुझको ऐसा लगा कि शायद इसमें कुछ हम ऐसा कैप्शन डालें, तैरती परछाइयां। तो मैंने एक बार उसको है ना उसके साथ जोड़ने की कोशिश करी और मुझको लगा कि हाँ ये इसके साथ है ना जाएगा, शायद अच्छा लगेगा, मैंने जोड़ा एंड पीपल लाइक इट। तो ऐसा रहता है कि मैं कुछ ना कुछ उस पिक्चर को एडिट करने के बाद उसमें से एक कोई चीज जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है या सब्जेक्ट है, मैं उसमें से सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि किस सब्जेक्ट पर मैं कैप्शन डालू, और ताकि लोगों का सोचने या देखने का नजरिया उस फोटो को उस सब्जेक्ट के थ्रू ही हो, उस कैप्शन कैप्शन को पढ़ के ही हो। तो मेरे फोटोग्राफ्स में मैंने अक्सर ये कोशिश करी है कि देखने वाले को तभी मजा आएगा जब वो मेरे कैप्शन को पहले पढ़ लेगा, उसके बाद फोटोग्राफ को देखेगा। पहले अगर फोटोग्राफ को देखकर वो लाइक करके चला जाएगा, तो दैट मीन्स उसे कुछ देखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं,
लेकिन अगर वो कैप्शन को अगर देख लेता है और उसके बाद फोटोग्राफ को देखेगा तो शायद उनको है ना वो मजा दोगुना हो जाए, दुगना हो जाए। पहले जब आप स्टार्ट लेते होंगे तब नॉर्मली लोग ये जी करते हैं कि बहुत सारे पिक्चर्स लेते हैं और फिर उसमें से कोई पिक्चर चूज करते हैं कि ओके ये अच्छा जी है कि हम डालेंगे। जी 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 अभी इतना समय गुजारने के बाद अभी आपका मोडस ऑपरेंडी क्या है, आप क्या करते हो? मतलब कोई मोमेंट है तो आपने एक क्लिक किया या दो क्लिक किया उसमें आपको ना काम हो जाता है, क्या आप उसको वैरायटी क्लिक करते हैं और फिर उसमें से ना चूज करते हैं कि हाँ मुझे ये वाला फोटोग्राफ लेना है या इसको अब मैं एडिट करूंगा और फिर मैं प्रेजेंट करूंगा, तो आप किस तरीके से चुनाव करते हैं? ये चीजें ना रैंडमली करता हूँ मैं, मीन्स ऐसा कोई है ना थंब रूल नहीं बना रखा है मैंने कि इसी लाइन लेंथ पर काम करना है। इट डिपेंड्स ऑन द ओकेजन कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझको क्या उस समय दिमाग में चल रहा है, क्या मुझको बर्स्ट शॉट लेना चाहिए या मल्टीपल अलग अलग शॉट्स है ना कहते हैं इंडिविजुअल शॉट्स लेना चाहिए, इस ढंग से मैं करता हूँ। और उसके अंदर जैसे बर्स्ट शॉट अगर लिया है तो मेरा जो फोन है उसके अंदर ये ऑप्शन है कि उसके अंदर वो खुद है ना बेस्ट चूज करके बता देता है कि दिस इज द बेस्ट, लेकिन मैं भी ड्रैग करके देखता हूँ कि उनमें से बेस्ट कौन सा मुझको लग रहा है, तो उनमें से शॉर्टलिस्ट करके एक को रखता हूँ, बाकी तो सब बाय डिफॉल्ट वो डिलीट हो जाते हैं। और रही बात जब मैं इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स कैच करता हूँ तो उन फोटोग्राफ्स में से मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि किसमें मेरा जो सब्जेक्ट है जिसको फिर मुझको हाईलाइट करना है वो कितना शार्प आ रहा है या उसमें कितनी ब्राइटनेस या जो भी चीजें हैं जो मुझको जो उसको हाईलाइट कर सके, जो उसको उभार के लेकर आ सके, तो मैं उस फोटोग्राफ को सिलेक्ट करके फिर उस पर एडिटिंग में वर्क करता हूँ। और एडिटिंग जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ एक ही टूल एक ही ऐप में कर रहा हूँ, कई बार मल्टीपल टूल्स को यूज करके भी मैं उसको फोटोग्राफ को एडिट करता हूँ। इट्स नॉट लोन स्नैपसीड ऑलवेज, कभी स्नैपसीड के साथ मैं लाइट रूम को भी यूज करता हूँ, कभी कभी मैं टूलविज फोटोग्राफ फोटोज को भी यूज करता हूँ, ऐसे अलग अलग जो एप्स हैं यूजुअली ये तीन टूल्स को मैं ज्यादा यूज करता हूँ इसलिए उनका नाम, ऐसे में कोई दूसरे कुछ दूसरे यूज कर सकते हैं। ओके अच्छा, उसमें कोई ऐसी स्टेप भी नहीं रहती है कि मुझको किसी फोटोग्राफ को करना है तो मैं इसी ढंग से ना करता है। क्या होता है कई बार मैंने देखा है, आई डोंट नो कि खुद लोगों ने ऑब्जर्व उनके खुद को फोटोग्राफ को करा या नहीं करा, क्या होता है कि कई बार कुछ फोटोग्राफ्स ना टाइट हो जाते हैं कि उनका फोटोग्राफ लेने के बाद एडिटिंग करने की स्टेप्स ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है, तो उनका एंड रिजल्ट जो आता है वो सबका एक जैसा आता है ऑलमोस्ट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे इसमें वैरायटी रहे, ऐसा ना हो कि वो टाइट लगे, ऐसा ना हो कि अगर मेरे फोटोग्राफ में साइकिल आती तो हर एक फोटोग्राफ में साइकिल ही नजर आए, तो वो फोटोग्राफ में टाइम टू टाइम वो फिर उस हिसाब से मैं उसको एडिट करता हूँ और सारी चीजें करता हूँ। अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा कि आप ना बहुत क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपनी फोटोग्राफी में, सूरज को लेकर चांद को लेकर क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स जो है आपके, तो जैसे अभी अब वो जो रिसेंट आपका फोटोग्राफ था जो बहुत सराहा भी गया वो केतली वाला इट वॉज स्पॉन्टेनियस बताएं, और ये क्रिएटिव आइडियाज कैसे आते हैं और ये आपकी फोटोग्राफी को कैसे बदल रहा है? ये वैसे इस क्रिएटिविटी का ना क्रेडिट कायदे से मेरी वाइफ को जाना चाहिए, बिकॉज क्या हुआ कि शी वॉज वेयरिंग स्पेक्स और अचानक से ना इतने वो स्पेक्स उतार कर केटली पर टिका दी, जैसे ही केटली पर वो टिकाया और मेरी तरफ उसको पलटा दिया, ऐसे मेरी तरफ टर्न करके रख दिया, तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझको लगा यार ये तो फोटोग्राफ है ये, तो मैंने उस समय उस मोमेंट को है ना कैच कर लिया। अच्छा, बट इट वाज सो सिंपल कि आसपास बड़ा शैबी सा माहौल था वहां पर जिस जगह मैंने उसका फोटोग्राफ लिया था, तो मैं ये था कि मुझको सब्जेक्ट पर हाईलाइट करना, तो मैंने फिर उस पर्टिकुलर पार्ट को क्रॉप कर दिया और उसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं करी, मैंने उसमें कोई बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं करी, बहुत सिंपल सी चीजें को है ना हाईलाइट हल्का फुल्का है ना उसमें एडिटिंग करी और उसको फिर उसके साथ शेयर कर दिया।
तो आइडिया कई बार है ना ऐसा नहीं है कि आपको ही आ रहा है, कई बार आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी आपको आइडिया दे देते हैं। तो इवन तो आई कुडंट गिव द ड्यू क्रेडिट ओवर देयर, यहाँ पर लेकिन जरूर क्रेडिट आप बता देना। ग्रेट। तो अब हमारा ये एपिसोड समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। नए लोग भी इस एपिसोड को देखेंगे जो अभी मोबिलियोग्राफी ग्रुप में नहीं है, और जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो तो खैर देखने ही वाले हैं। तो नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए सर, नए लोगों के लिए मेरा कहते सिर्फ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं काफी रहता हूँ हु इज वेरी पॉजिटिव अबाउट फोटोग्राफी। आई एम टॉकिंग अबाउट मनमोहन पाटिल। ही इज द पर्सन जिसको सबसे ज्यादा रोका टोका गया है, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसे इंसान है जो कभी रुके ही नहीं, वो फोटोग्राफी करते ही चले गए, करते ही चले गए। कई लोग ऐसा रहता है कि है ना क्या कहते हैं, जब उनको ऐसा टोका जाता है, रोका जाता है, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो चीजों को खूंटी पर टांग देते हैं। तो उन्होंने उसको खूंटी पर टांगने की बजाय उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा और चीजें। तो मेरा ये कहना है कि मैं जब यहाँ पर ज्वाइन करा था आई वॉज अ लेमैन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीजें करूंगा मैं जो आज कर रहा हूँ, और बहुत सिंपल सी फोटोग्राफी किया करता था, लेकिन सारी चीजें मैंने यही लोगों से सीखी हैं। तो आप भी यहाँ पर दूसरों को देख कर सीख सकते हो, डोंट क्विट, ट्राई टू डू मोर एंड मोर एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपीरियंस करने के बाद है ना रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे और आपको मजा आने लगेगा। जिस दिन आपके एक्सपेरिमेंट्स सफल होंगे और मजा आने लगेगा, तब आप देखिएगा कि आपकी फोटोग्राफी भी है ना खूबसूरत होती चली जाएगी। ऐसे कई एग्जांपल्स हमारे ग्रुप में हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, लाइक रजनी मैडम हैं, रजनी शी इज अ डेंटिस्ट फ्रॉम नागपुर, और वो गजब के एक्सपेरिमेंट करती थी। शिल्पा गुप्ता मैडम शी इज डॉक्टर, मैंने वो इतना बिजी उनका है ना शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद ऐसे कई लोग हैं, मैंने दीज आर फ्यू जिनके हम नाम यहाँ ले पा रहे हैं। कई लोग हैं ना जो फॉरेन में भी हम उन लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी गजब का है ना करते हैं अपने है ना वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप उसको इस ढंग से मत लीजिए, इट इज अ फैमिली। यहाँ पर है ना आप अच्छे फोटोग्राफ्स लाइए, शेयर करिए, और यहाँ सिखाने के लिए हर कोई तैयार है। आप सीखने के लिए अगर तैयार हैं तो यहाँ सिखाने के लिए हर कोई तैयार है। आपसे हम हर वो चीज शेयर करना पसंद करेंगे जिससे आपकी फोटोग्राफी और निखर कर ऊपर। हम दो वी आर नॉट प्रोफेशनल, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको इतनी हमको जितनी आती चीजें उतनी तो हम आपसे शेयर करेंगे एटलीस्ट। तो ये एपिसोड अब समाप्ति की ओर है, और दिग्विजय जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने समय निकाला, धन्यवाद, इतनी बातें शेयर थैंक की। यू आप उनके कभी फोटोग्राफ्स देखिए, दर्शकों से निवेदन है कि आप आइए ग्रुप में, मोबिलियोग्राफी ग्रुप में फेसबुक पे, और आप देखिए कि ना दिग्विजय जी क्या कमाल करते हैं, और ये जो जर्नी है उनकी, ये जर्नी भी बड़ी गजब की है। तो जैसा कि उन्होंने बोला है कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, खुल के बिना डरे झिझके फोटो खींचिए डालिए, और ये जो एपिसोड है ये आप तक पहुंच रहा है, हमें आपके फीडबैक का इंतजार है। जो भी अच्छा है, जो भी सुधार की जरूरत है, आप हमको बताइए, हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। और ये चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सीखिए, सिखाइए, और मोबाइल फोटोग्राफी के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। आप सबका शुक्रिया। दिग्विजय भाई आपका भी शुक्रिया, और हम अगले धन्यवाद, एपिसोड में जल्द ही आपके थैंक साथ में फिर से हाजिर होंगे, एक नए चैट के साथ में, एक नई बातचीत के साथ में, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। यू, नमस्कार।